उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,08,974 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस हैं 43,654। इलाज से अब तक ठीक हुए मरीज हैं 63,402 और मरने वालों का आंकड़ा है 1,918 का। और एसके हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, उत्तर प्रदेश में अब यह आंकड़ा 1,00,000 पार हो चुका है और अगर एवरेज देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा इस वक्त एवरेज है उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों का। बिल्कुल, अगर हम देखें जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिंता भी बढ़ा रहे हैं उसी तरीके से। जिस तरीके से अब पिछले करीब एक सप्ताह से जो आंकड़ा आ रहा है वो राउंड फिगर में 4,500 से 5,000 के बीच में रह रहा है। आज का भी अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो 4,800 समथिंग 24 घंटे में नए मरीज पुष्ट हुए हैं। 43,000 से ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में एक्टिव मरीज हैं। हालांकि 63,000 से ज्यादा लोग अब तक विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज जरूर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि 5,000 के करीब में धीरे धीरे संक्रमित उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन निकल रहे हैं, जो चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, हालांकि जांच बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई है, जांच तेजी के साथ हो रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 1,25,000 लोगों की जांच प्रतिदिन की जा रही है, लेकिन उसी हिसाब से आंकड़े भी तेजी के साथ निकलकर सामने आ रहे हैं। लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन प्रयासों के बावजूद जो है कोरोना के आंकड़े उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। कुछ ऐसे जिले हैं, करीब 10 जिले जहां से लगातार कोरोना संक्रमित उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निकल रहे हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ नंबर एक पर चल रही है। अगर हम वहां पे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े को देखेंगे, 664 पिछले 24 घंटे में निकलकर सामने आए, 4,800 से ज्यादा अब तक के एक्टिव केसेस हैं जो कि विभिन्न अस्पतालों में राजधानी में भर्ती हैं। जब 63,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में 43,000 से ज्यादा मरीज अब तक एक्टिव केसेस हैं जो विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जो जरूर चिंता बढ़ा रहे हैं। अब तक 1,900 से ज्यादा लोगों की विभिन्न अस्पतालों में मौत हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। और जो कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो जिला प्रशासन की तरफ से हो, शासन की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डेली बैठक कर रहे हैं, अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं अगर हम जमीनी स्तर पर देखेंगे, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, लखनऊ के बाद कानपुर का नंबर है जहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्रयागराज है, वाराणसी है, बरेली है, शाहजहांपुर है, बाराबंकी है, हरदोई है, ये वो जिले हैं जहां शायद पहले कोरोना के केसेस नहीं थे, लेकिन पिछले करीब दो सप्ताह से लगातार कोरोना के संक्रमित इन जिलों में निकल रहे हैं। प्रतिदिन का आंकड़ा अगर हम नजर डालेंगे तो करीब 400 से 500 के बीच में है, जो जरूर चिंता की बात है। हालांकि कोशिशें जरूर हो रही है, लेकिन कोशिशें जमीनी स्तर पर पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं, जो जरूर चिंता की बात है। जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके अगर हम मार्केट्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग हमको 70% से ज्यादा लोग बिना मास्क के अब भी घूम रहे हैं। हालांकि मास्क ना पहनने वालों पर भी जुर्माना लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त तौर पर जारी किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरी तरीके से चीजें पालन होती हुई नहीं दिख रही हैं। मार्केट्स में अगर हम देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, बड़े पैमाने पर लोग घर से निकल रहे हैं और मार्केट में घूम रहे हैं, जो जरूर हम कहें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा, और जो एक सख्ती हमने लॉकडाउन 1 और 2 के दौरान देखी थी, वो जब से अनलॉक शुरू हुआ है शायद वो नहीं दिख रही है। जी, अनलॉक के बाद में लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। एसके, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इस बीच अहम जानकारी यह है कि एक बार फिर से नोएडा आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और ये 12वीं बार मौका होगा 8 अगस्त को जब नोएडा में सीएम योगी पहुंचेंगे कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए। पहुंचने सेक्टर 39 में करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो चुका है कोविड हॉस्पिटल। कोविड-19 हॉस्पिटल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, सभी डॉक्टर्स, नर्स स्टाफ समेत सभी जो बाकी के अन्य नियुक्तियां हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं, जो भर्तियां हैं पूरी हो चुकी हैं। 8 अगस्त को 12वीं बार सीएम योगी नोएडा आएंगे, और ये मिथक माना जाता था अब तक कि जो भी नोएडा में आता है वो सत्ता से बाहर हो जाता है, उसकी कुर्सी उससे छूट जाती है, लेकिन उन तमाम मिथकों से अलग सीएम योगी एक बार फिर से नोएडा पहुंच रहे हैं।
अब मुजफ्फरनगर में द बर्निंग कार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई और देखते ही देखते ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इसमें से उठती ये काली लपटें आप देख रहे होंगे और जब आप इसे देख रहे हैं तो एक बार को आपको भी डर लग रहा होगा, लेकिन इन लपटों में जो लोग इस कार में सवार थे वो नहीं आए। गनीमत रही कि वो किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये पूरी की पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई और इससे जो ये काला धुआं निकल रहा है ये अपने आप में इस मंजर को और ज्यादा खौफजदा कर देता है। होटल के कमरे में दो शव मिले हैं, लखनऊ से खबर है। राहुल वर्मा है एक का नाम और एक है नैंसी वर्मा। लिव इन रिलेशन में थे दोनों ही प्रेमी युगल। मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फोरेंसिक और पुलिस की टीम छानबीन कर रही है। कृष्णनगर के होटल मोमेंटम में संदिग्ध हालात में दोनों के शव पाए गए हैं। कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। राहुल वर्मा और नैंसी वर्मा दोनों के शव होटल रूम से बरामद हुए हैं। होटल मोमेंटम के कमरे से दो शव बरामद हुए हैं और परिवार को जब सूचना मिली तो परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। जानकारी यह है कि दोनों ही लिव इन में रह रहे थे और दोनों ही प्रेमी युगल लिव इन में थे और न जाने किस बात पर दोनों की मौत हुई है। आत्महत्या है, मर्डर है, क्या है, इस बात की अभी तक का लगातार छानबीन पुलिस कर रही है। कृष्णनगर के होटल मोमेंटम में संदिग्ध हालात में दो शव पाए गए हैं। मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। होटल मोमेंटम के कमरे से दो शव बरामद हुए हैं। राहुल वर्मा और नैंसी वर्मा का शव मिला है। दोनों ही लिविंग में रहे थे, जानकारी ये है। नीलेश हमारे साथ है। नीलेश, क्या जानकारी है मामले पर? देखिए, पुलिस की जांच में जो सामने अभी तक आया उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि दोनों जो ये प्रेमी युगल के शव मिले हैं वो काफी समय से रिलेशन में थे। हालांकि कुछ समय पहले से इनकी आपस में बात नहीं हो रही थी, लेकिन रक्षाबंधन के दिन देखा गया कि दोनों लोग घर के बाहर मिले थे। उसके बाद इसको बातचीत हुई, उसके बाद जब आज की अगर बात करें तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और होटल ले गए। होटल का नाम मोमेंट है, जहां पर उनको एक रूम लिया था उन्होंने। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो प्रेमी था उसने पहले अपनी प्रेमिका को बेल्टों से मारा, उसके बाद जो स्पून होता है धारदार स्पून से उसके गर्दन पर कई वार किए। वार करने के बाद जब उसको मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर लटक गया। लेकिन इस दौरान जो है जो होटल था उसका हॉस्पिटल होटल के जो प्रशासन के लोग थे वो आखिर कहाँ थे, जबकि छोटी सी आवाज अगर होती है होटल के अंदर तो दूर। बहुत शुक्रिया नीलेश। होटल के लोग कहाँ थे जब हत्या हुई और क्यों हुई, किन कारणों से हुई, इस बारे में छानबीन लगातार पुलिस कर रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।